इस सभागार में उपस्थित आदि गुणी दर्शकों को अथानोचार में एवं न्याय किशो के रूप में यहाँ पर बैठे सभी आदरणीय व सम्मानित शिक्षकों और मेरे प्यारे सहपाठी, आप सभी को मेरा सुप्रभात एवं प्यार भरा नमस्कार। मैं बिना सभी नगर पंचायत की छात्रा आज होने वाली इस भाषण प्रतियोगिता में आप सभी के समक्ष जल संरक्षण के विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति चाहती हूँ और मैं अपनी शिक्षिका पंकज जी को विवाद में बताए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया ताकि मैं आप सभी के समक्ष अपनी बातों में विचारों को रख सकूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल पृथ्वी पर हर प्रकार के जीवन का आधार है। जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम सभी को विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। पानी का प्रयोग हम सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि रोजमर्रा कामों के लिए भी करते हैं, अतः पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इसका उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो निकट भविष्य में इसकी कमी हो सकती है। जिस प्रकार से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से पानी की मात्रा तो सीमित है पर इसकी मांग असीमित है, अतः हमें जल संरक्षित करने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। जैसे कि वर्षा के जल को संरक्षित करके सिंचाई के आधुनिक तरीकों को अपना कर पाइप से पानी देने को बचाएं, फुहारों का इस्तेमाल हुआ जितना पानी का उपयोग है उतना ही इसका इस्तेमाल करके हम जल संरक्षित कर सकते हैं। हमें किसी भी हालत में जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर बिना जल के जीवन संभव नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने 22 मार्च 1993 को पूरे विश्व भर में जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। हमें जल संकट की इस समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जल संरक्षण का महत्व को समझना चाहिए। आज हमको यह समझने की जरूरत है कि जल अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। आज मुफ्त में मिल रहे जल की हम कीमत नहीं समझते हैं, लेकिन आप गर्मियों के दिनों में पानी ना मिल रहे उस इंसान से पूछिए कि जल का